सभी नेतागण मिले और जो नाम उन्होंने बताया स्टालिन साहब से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे नाम बताए गए, उद्धव ठाकरे साहब भी यहाँ है, तो सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं, तो हाँ 12 जुलाई बोलते ना, तो खैर हाँ ये तो टेंटेटिव है लेकिन 12 एक दो दिन में आगे पीछे हो जाएगा क्योंकि सभी नेताओं को कंसेंट करके फिर उसके बाद में चुनाव भी है बहुत से जगह पंचायत के और दूसरे, इसीलिए हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीजों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा, एक ही बात हर जगह नहीं चलती, तो उसके लिए भी हम ये करेंगे कि तय करेंगे कि तमिलनाडु में स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, यूपी में क्या होना, बिहार में क्या होना, कश्मीर में क्या होना, ऐसा हर जगह महाराष्ट्र में क्या, ये ऐसा सभी स्ट्रेटजी करके एक निर्णय लेंगे और आगे भी फिर इस यूनिट को बढ़ाने के लिए हम लोग पूरे काम करेंगे, एक एक होकर एकजुट होकर 2024 की लड़ाई हमको लड़ना है और बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का हम एक तय किए हैं, तो उसमें हम जरूर कामयाब होंगे और उसके लिए मैं नीतीश जी का, क्योंकि उन्होंने होस्ट किया आज, उनका धन्यवाद करता हूं और सारे और बहुत से हमारे नेता, मैं अभी जैसा बोला कि स्टालिन वहां से आए थे तमिलनाडु से, तो उमर अब्दुल्ला साहब और महबूबा मुफ्ती साहब उन्होंने कश्मीर से आए थे, तो सारा देश इसमें जुड़ा है, जहाँ जहाँ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा किए है वो पूरे लोग आए हैं नेता वहां से, तो ये है, तो ये पूरा हम आगे करने का इरादा है, मैं ज्यादा कुछ और नहीं कहता, जो कुछ कहना है उन्होंने कहा है और आगे राहुल गांधी जी कुछ बात करें। बाद में पूछिएगा, सब बोल देंगे, बाद में सब समर्थ है उत्तर देने को। सब पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ जो आए हैं उन सब का स्वागत, आप सब का स्वागत। नीतीश जी ने आज लंच में हमें बिहार के मतलब सब डिशेस खिला दी, लिट्टी चोखा, उनका स्पेशल गुलाब जामुन, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आप जानते हैं हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं, हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे, मगर ये एक प्रोसेस है
ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और यह बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design.